बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राशिद याकूब खान शहीद मोहम्मद अफजल गुरु चौक दो मेल मुजफ़राबाद से आपके सामने हाजिर है। आज हम सफ़र करेंगे श्रीनगर रोड से, गढ़ी दोपट्टा जाएंगे और अटियां बाला की आपको करवाएंगे सैर। दरियाए जेलम के किनारे खूबसूरत वादियां आपकी मुंतज़र हैं, आपने हमारे साथ रहना है। सब क्या कहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में जो टूरिज्म का फ़रोग है, आप कितना आप समझते हैं कि कितना पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा कामयाबी से हुकूमत इसको लेके चल रही है? पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त टूरिज्म के हवाले से सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल वाला एरिया है वो आज़ाद कश्मीर है। उसकी मैं रीज़न्स बता देता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर बाकी जो एरियाज़ हैं उनका पोटेंशियल काफ़ी हद तक जो है वो हार्वेस्ट हो चुका है, उसको लोग कैच कर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म की प्रमोशन में जो रुकावटें थी, सबसे पहले तो वहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था वो बड़ा सीरियस किस्म का था, लेकिन थैंक्स गॉड आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान के किसी भी एरिए से अगर अच्छा नहीं है तो कम अज़ कम उनसे मैचिंग ज़रूर हो गया है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए क्या मनसूबा? हमारे पास ज़मीन अवेलेबल हो जाती है किसी को ऑफ़र करने के लिए तो फिर हमारी प्लानिंग यही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आए, वो अपनी फैसिलिटीज़ जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के या एटलीस्ट हमारे नेशनल स्टैंडर्ड के पे जो फुलफ़िल करती है उसके मुताबिक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि टूरिस्ट की ये जो एक अरसा दराज से यहाँ पे चली आ रही हो, हम खुद भी फील करते हैं कि हमारी जो लिविंग कंडीशंस या इवन फूड की जो कंडीशंस हैं जो अवेलेबल हैं हमारे टूरिस्ट साइट्स के ऊपर वो रिक्वायर्ड लेवल की नहीं है। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो यू नो कि प्राइवेट सेक्टर तो अपने इन पूरे स्ट्रक्चर और पैराफर्नेलिया के साथ ही आता है। इन्वेस्टर्स को आपका मैसेज क्या होगा और सयाहों को क्या पैगाम? इन्वेस्टर्स और सयाहों दोनों के लिए यही पैगाम है जी कि आज़ाद कश्मीर बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली एरिया है। आप यहाँ का पीस देख लें, यहाँ की सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट देख लें, पाकिस्तान के किसी भी एरिया से ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं। टूरिस्ट फ्रेंडली हमारा यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट है, आपको खुद डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जहाँ तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात है, इन्वेस्टर्स के लिए ये जो टूरिज्म प्रमोशन एक्ट के अंदर हम जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं वो इन अ वे वन विंडो फैसिलिटी होगी और उसके नतीजे में आई होप कि इंशाल्लाह जो इन्वेस्टर्स को कोई शिकायत अगर या कोई मुश्किल पेश आ रही थी तो वो एड्रेस हो जाएगी। नाज़रीन, गढ़ी दोपट्टा जाते हुए रास्ते में हम एक जगह पे रुके हुए हैं और दरियाए जेलम के किनारे खूबसूरत सा ये पिकनिक पॉइंट बनाया गया है। दरिया का जो मंज़र है वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत मौसम है और इस मौसम में यहाँ बंदा बैठ के तो लुत्फानंदोज़ होता है दरिया की मौज मस्ती से और इस खूबसूरत मौसम से। पौधे अगर देखें तो फूलों से लदे हुए हैं और हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है और खूबसूरत ये मंजर याद रहेगा। जी नाज़रीन, गढ़ी दुपट्टा जाते हुए जरखेज खेतों में मैं मौजूद हूँ और दरियाए जेलम के किनारे ये खेत बहुत खूबसूरत भी नजर आते हैं। हर तरफ देखें तो हरियाली नज़र आती है, सब सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है और इन खेतों की अगर बात करें तो यहाँ फसलें हो सकती हैं, पौधे हो सकते हैं और जो गल्ला है वो यहाँ से उग सकता है। लोग अगर मेहनत करें, खेती बाड़ी करें तो यकीनन लोगों को
अपने घर में ही ये गल्ला मुहैया हो सकता है। आप ये बताइए कि खेती बाड़ी की तरफ कितना रुझान है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे नए नौजवान जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। आप यहाँ पे अगर विज़िट करें कि दरिया के दोनों इतराफ में यहाँ पे सब्जियों का एक बेहतरीन फार्मिंग की गई है और नायाब किस्म की यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में सब्जियाँ पाई जाती हैं। थोड़ी सी हुकूमत की अगर तवज्जो दी जाए तो इसको मज़ीद हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अवेयरनेस उस तरीके से अवाम में मुहैया नहीं की जा रही होती है, तो जिसकी वजह से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काश्त करनी है। मिसाल के तौर पे ये हमारा ठंडा इलाका है, यहाँ पे अखरोट का बेहतरीन कारोबार किया जा सकता है, उसकी काश्त अच्छे तरीके से की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए मक्की है, गंदम है और बाकी जो सब्जियात हैं उस पर किया जा सकता है, काम है भी। जैसे कुछ दरख्त हैं जिनकी आज़ाद कश्मीर में एनवायरनमेंट के हवाले से अशद ज़रूरत है, तो उस हवाले से जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे जो है वो फाल होना पड़ेगा। ये पानी के चश्मे नज़र आते हैं, वाफर मकदार में पानी नज़र आता है, खेत नज़र आते हैं, अच्छी ज़मीनें हैं, कितना फ़ायदा उठा रहे हैं लोग? बस जितनी जितनी ज़मीन है उसमें अपना फसल लगाता है, हर आदमी अपना सब्जी लगा रहा है, गंदम उगा रहा है, मक्की उगा रहा है, ठीक है, भैंसों का चारा है, ठीक है, मवेशियों का चारा और जो यही है। लोगों की अपनी फसलें? अपनी फसलें, यह सब मलकीती ज़मीन है। ये खूबसूरत जो वैलीज हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे इन वादियों के हवाले से? वादियाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, जो तफरी के लिए आए उसको हर चीज़ की सहूलत मिलती है, लोगों को वेलकम करते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। जी नाज़रीन, गाड़ी दोपट्टा हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फराबाद से। गाड़ी दोपट्टा का जो सफ़र है वो 21 किलोमीटर है और ख़ूबसूरत ये बाज़ार है। लोगों से भी बात करेंगे इस बाज़ार के वाले से, गाड़ी दोपट्टा के वाले से भी बात करेंगे। कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है, कारोबार इसी से कमाते हैं, इसी से घर का सारा निज़ाम चलाते हैं। इस बाज़ार का सबसे जो बड़ा मसला जो हुकूमत को तजवीज़ देना चाहेंगे, ये मसला? हमारा मसला ये है, एक तो इधर बाज़ार तंग बहुत है, गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं और कारोबार में खलल पड़ती है। दूसरा, पब्लिक बात कोई नहीं है इस पूरे गड़ी दुपट्टा के पूरे बाजार में। ये आगे चौक बाजार है, उधर पार्ली साइड बाजार है, किसी जगह भी पब्लिक बात नहीं है। फिर लोगों के बैठने के लिए अलग जगह नहीं है। फिर ये जो रक्शे वगैरह हैं, दूसरी चीज़ें, इनके लिए अड्डा कोई नहीं है। ये सब चीज़ें बाजार ही में, पूरी बाजार में खिचड़ी जब बन जाती है, फिर लोगों को, खरीदारी वालों को भी बहुत तकलीफ होती है और गाड़ियों भी रुक जाती है, बाजार में बंद हो जाती है, ट्रैफिक तकरीबन 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा बंद हो जाती है। आप क्या कहते हैं कि कितना फ़रोग दिया जा सकता है सियात को? लोग इन खूबसूरत इलाकों को देखने के लिए आते हैं। हुकूमत बात करती है क्लाइमेट चेंज की, पिछले 20 साल से यहाँ गाड़ी दुपट्टा के अंदर बर्फबारी नहीं हुई, उसकी वजह क्या है? आप देख रहे हैं टाइमर माफिया बाकायदा मुताबिक हुआ, यहाँ जंगलात को बेदर्दी के साथ काटा गया है, इसी वजह से ये गाड़ी दुपट्टा अंदाई खूबसूरत वैली है। दरिया के इस तरफ आप देखें, यहाँ सियात बेहतर तरीके के साथ उजागर की जा सकती है। यकीन करें यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों को हम दिल की यथागराइयों से वेलकम करेंगे। यकीन करें लोग अपना घर बार सब कुछ पेश कर देते हैं मेहमानों के लिए। कश्मीरी पूरी कौम मेहमान नवाज है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं, खुदा रहा टूरिस्टों को जो है आज़ाद कश्मीर की तरफ भेजा जाए और यहाँ पर उनको बेहतर तरीके के साथ जो है सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं यहाँ से कैमरा की वसादत से ये गुजारिश करता हूँ, खुदा रहा ये जो माफिया है टेम्बर माफिया, जिसने बेदर्दी के साथ हमारे जंगलात का सफाया किया है, अभी जो हमारा जंगलात बचा हुआ है खुदा के लिए उसको बचाया जाए। आज़ाद कश्मीर स्पेशली हमारा जो इलाका है ये बड़ा पुरमन इलाका है, सेहों के मेहमान नवाज भी हैं हम लोग, फिर खूबसूरती भी है यहाँ पे। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है सियात के हवाले से, ये लोग अगर इधर आएंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी मिलेंगी और अच्छी मेहमान नवाजी भी होगी।
जी नाजिम, मुजफ्फराबाद से खूबसूरत नज़ारों के ज़रिए, खूबसूरत सड़क के ज़रिए हम अटियांबाला पहुँच चुके हैं। अटियांबाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैली है, दरियाए झेलम के किनारे ये असीन मंजर पेश करती है। अटियांबाला की वादी बहुत असीन लगती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ खेल के मैदान आबाद हैं, नौजवान खेल कूद में भी हिस्सा ले रहे हैं, कितनी ये पॉजिटिव बात है। ये आप देख सकते हैं नीचे इस टाइम भी ग्राउंड में खेल जारी है, क्रिकेट के और वॉलीबॉल मुख्तलिफ खेल हैं, यहाँ खेलते हैं नौजवान, और ये सेहतमंद माशरे के लिए खेल ज़रूरी है। इर्द गिर्द माहौल भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज है, जंगलात भी लग रहे हैं इसके ऊपर, आस्ता आस्ता तेज़ी से बल्कि काम जारी है प्लांटेशन का। और ये नौजवान हर टाइम इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं, हर टाइम इधर एक्टिविटीज़ होती हैं खेल के हवाले से, मुख्तलिफ खेलें यहाँ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। अभी ये स्टेडियम भी जो है नया बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं नीचे। एक नौजवान भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इनसे बात करते हैं। आप क्यों कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, बूढ़ा तो माशाल्लाह देखा ना, एक साहब जब हम जवान थे, यंग थे, ठीक है, अभी माशाल्लाह वो उस तरह नहीं है ना। तो वो तो मैं जस्ट आपसे एक बात की, ठीक है, सपोर्ट करते थे हम, ठीक है, स्पोर्ट काफ़ी अर्सा किया मैंने, मार्शल आर्ट्स का मैं ब्लैक बेल्ट का मास्टर हूँ नाम है बेसिकली है ना, ठीक है, और क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं। माशाल्लाह यहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स में अच्छे मिलेंगे, खिलाड़ी मिलेंगे, जल वैली में देखो क्रिकेट ग्राउंड बना है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको तोजे की जरूरत है इंतजामिया की तरफ से ना, ताकि सब लोगों के लिए उसको ना, यानी स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग उसको ऑप्शन लाके दो उसको ना, ताकि लोग अपनी गेम करें, एंजॉय करें, अभी अच्छा माहौल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस अच्छे माहौल के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, दरिया नज़र आते हैं, पानी के चश्मे नज़र आते हैं। देखें सर, बात यह कि कश्मीर जो है वैसे भी है ना, वो कहते हैं दुनिया में अगर जन्नत है तो कश्मीर है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन जिला वेल के जो है ना, इसका अपना मुनफरद इसका एक मकाम है, इसका इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, ठीक है, यहाँ भी आप दरिया देखें आप, ठीक है, आगे चले जाएँ बड़रेडी पर चले जाएँ, पहाड़ों पर चले जाएँ, वादी लिपा चले जाएँ, वहाँ भी आपको एक से एक अच्छा नज़ारा मिलेगा। सिक्योरिटी के वाले से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली बहुत ही महफूज है, बिलखसूस सियाहों के लिए बड़ी खूबसूरत वैली है हमारी। इसमें हमारी गंगा चोटी है, चिकार वैली है, उसमें नून बगला का इलाका आता है, फिर लीपा वैली बड़ी खूबसूरत वैली है। यहाँ से आगे जाएं, यहाँ से ये आगे जा रही है, LOC के भी है, चकोटी बॉर्डर लाइन एरिया भी है, तो सियाहों के हवाले से यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लोग ये चाहते हैं कि सियाह हमारी तरफ आएँ, मतवजह हों। यहाँ आगे जसकूल आबशार, उसके अलावा एक छम का इलाका है, नाला काजी नाग है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सियाहों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज है वो। नाज़रीन, अटियांबाला से सफ़र करते हुए हम चिनारी की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में सामन का एक इलाका आता है और यहाँ एक आबशार नज़र आ रही है, खूबसूरत आबशार है और बहता ये पानी बिल्कुल मोती बिखरते नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने छोटा सा सर्विस पॉइंट बनाया हुआ है जिसमें हम गाड़ी वगैरह धोते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं। अच्छा। इसी पानी की वजह से हमें भी रोज़गार मयसर है। इस आबशार पे कितने लोग रुकते हैं? काफ़ी तवज्जो का बायस है क्योंकि पानी बहुत खूबसूरत पानी है, आपके सामने ये आबशार है, हमें बहुत खुशी है इन्हीं खूबसूरत नज़ारों की वजह से, टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं इसकी वजह से, यानी कि ये इलाका प्रमोट होता है इन्हीं पानी की वजह से। नाज़रीन, अटियांबाला से सफ़र करते हुए खूबसूरत नज़ारों से महजूज होते हुए, लुत्फानंदोज़ होते हुए हम चिनारी बाज़ार में पहुँच चुके हैं। इस चिनारी बाज़ार की अगर मैं हिस्ट्री पूछूं तो क्या है इसका तारीखी पस मंज़र, क्या है, कब कायम हुआ था ये? 1947 से पहले का कायम है। अच्छा। डोगरों से पहले ये जो सड़क है ना, हाँ। पिंडी से श्रीनगर तक, हाँ। ये शेर शाह सूरी ने निकाली थी उस वक्त। पहले घोड़े चलते थे इस पर, वो क्रेंचियाँ चलती थी, टांगे वगैरह चलते थे, हाँ, श्रीनगर पड़ाव पड़ाव होता था ना, यहाँ से मसलन हटियाँ चले जाएं, आप नैली से आगे चले जाएं, ऐसे पड़ाव होता था जहाँ तक वो अपनी रफ्तार जाते थे ना। तो फिर एक ऐसा दौर भी आया था कि वो मुगरे होते हैं ना, दिलियाँ जिसको बोलते हैं हम अपनी जुबान में,
वो जलाकर और रास्ते दिखाते थे लोगों को। आपकी इन 70 सालों में कभी ख्वाहिश हुई है कि मैं भी श्रीनगर जाऊं? हाँ, ख्वाहिश मैंने बल्कि कागजात जमा किए थे। लेकिन आप कितना तड़पते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए जो श्रीनगर में मौजूद हैं, आप मिल नहीं सकते, आप आ जा नहीं सकते? ये तो बड़ी मुश्किल है। कभी उनसे मुलाकात भी हुई? मुलाकात हुई है। तो क्या कोई मैसेज देना चाहें दुनिया को कि दुनिया ये आसार तोड़े, ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो और हम आर पार आ जाएं? ये बुजुर्ग बहुत दुखी हैं, इनका खानदान श्रीनगर में आबाद है, ये चिनारी में रहते हैं और ये कहते हैं मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी कि मैं भी श्रीनगर जाऊं, अपनों से मुलाकात हो सके। अब ये इतने जज्बाती हैं कि ये बात नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो। और ये जो इधर तड़पते हैं या कुछ खानदान उधर तड़पते हैं अपनों के लिए, अल्लाह करे कि ये लोग आसानी से एक दूसरे से मेल मुलाकातें कर सकें। यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी हम लोग इधर हैं, मेरा खुद जो एक्चुअल रिश्तेदार है वो चनवारी से हैं, बड़ामुरा चनवारी से। यहाँ से तकरीबन टोटल 2 घंटे की मुसाफत है, लेकर हम उनसे मिल नहीं सकते। तो जब ये पहले ये बस सर्विस चलती थी तो वो इधर आए हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के बाद फिर दरमियान में ये ब्रेक थ्रू आ गया। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो कश्मीर है ये आज़ाद होना चाहिए। और मैं अपील करूँगा कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, आलमी बरदरी इसका नोटिस ले। हटियां बाला के खूबसूरत इलाके चनारी और जासकोल आबशार में अब हम पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत आबशार आपको नजर आ रही होगी, बहता पानी मोती बिखेर रहा है और ये आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सयाह यहाँ आते हैं, इस आबशार से लुत्फानंदोज होते हैं। हम भी सयाहों के पास चलते हैं, सयाहों से बात करते हैं और इस आबशार के खूबसूरत नज़ारे आपके सामने रखते हैं। पानी बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रहा है, सयाहों से बातचीत का सिलसिला जारी है। एक सयाह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि इन बहते पानियों के हवाले से, इन आबशारों के हवाले से कुदरत के हसीन नज़ारे हैं ये? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर जो है वो जन्नत नज़ीर है। दुनिया भर के खूबसूरत मकामात में से एक आज़ाद कश्मीर जो टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर से सयाह यहाँ पर आते हैं और इससे यहाँ पर जो है सियाहत को भी फ़रोग मिलता है, मकामी लोगों को रोज़गार भी फराहम होता है। और बिलखसूस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आप इस आबशार में मौजूद हैं, ये पैगाम देती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा कश्मीर में जहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू हुआ है और यहाँ पर दुनिया भर से सयाह आकर यहाँ पर सियाहत के से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। कैसे यह हिंदुस्तान को डूब मरना चाहिए कि उसने हसीन और जमील वादी लॉकडाउन कर रखी है और वहाँ सयाह नहीं जा सकते। आज़ाद कश्मीर के इस पुरमन इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद आती है, इन आबशारों के से, इन झरनों से लुत्फानंदोज़ होती है। बिल्कुल सतम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ से बस सर्विस चलती थी, जो बिछड़े लोग थे, मुहाजरीन थे, वो जाकर लोगों से मिलते हैं। उसने जहाँ पर वहाँ पर वादी में लॉकडाउन किया है, वहाँ पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को भी उसने मुअत्तल कर दिया है। और ये इन सियाती मकामात हैं, सियाती मकामात दुनिया भर में किसी हर जगह सेम है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ पर भी उस वो शेलिंग करता है, ना कि उस पार जारियत करता है बल्कि इस पार भी वो जारियत से बाज नहीं आ रहा है। कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन इलाकों को डेवलप करे तो ये जन्नत नज़ीर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, मत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ही चीज़ का जो स्कोप है वो सियाहत का है और इससे इंटरनेशनल जो दुनिया उसमें भी एक मुस्बत पैगाम हल्का जा भी रहा है और भी इससे जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखसूस इन सियाती मकामात पर अपनी जो रकम है, डेवलपमेंट फंड है, उसको खर्च करे और यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाए, सियाहत के लिए जो सियाहों को मुश्किलात हैं वो उनकी दूर करे।
जो गिरती आबशारे हैं, कुदरत का ही असीम रानाइयाँ यहाँ नजर आती हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कितनी तवज्जो देनी होगी? कश्मीर मरगजार जन्नत नज़ीर, ये वादियों और झरनों की सरजमीन, और इसमें कोई शक नहीं है, हर देखने वाला इसको सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाता है। एक में टूरिज्म इस पे काम करे और इसको इको टूरिज्म के हवाले से मजीद डेवलप किया जाए। यहाँ पे साइडों पे कुछ प्लांट्स लग जाएं, कुछ टूरिस्ट के बैठने की जगह हो जाए, कैंपिंग साइट्स बन जाएँ, और मैं समझता हूँ कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बेहतरीन जगह है। और यहाँ आके बैठ के आधा घंटा बैठ के इंसान अपनी तमाम तर परेशानियाँ, दुख, मसाइल, प्रॉब्लम भूल जाता है और बिल्कुल अल्लाह ताला से लो लगा के और सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाता है। जी नाज़रीन, आबशार किनारे हम देसी मछली और चाय से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, और छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन इस तरह के पिकनिक स्पॉट्स की कितनी ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में? हमारे पास सैकड़ों नज़ारे हैं, और जो कुदरत के नज़ारों से जो लुत्फानंदोज होने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत ही अहम जगह है, और ये ऐसी जगह जो है खुसूसी तवज्जो की ये मुतकाज़ी हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बिलमूम बिलखसूस महकमा सियात हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करें यहाँ पे, और उनके तहत इन जगहों को डेवलप करें। मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि मकामी जो सयाह आज़ाद उनको ये अट्रैक्ट करके, बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़म को भी ये इस तरह के जो अगर पॉइंट्स को हम डिवेल्प करते हैं तो उनको भी ये अट्रैक्ट करेगी, और यूँ गवर्नमेंट ऑफ एजे के अपने रेवेन्यू जनरेशन में खातरफा इजाफा कर सकेगी। नाज़रीन, जासकोल चनारी की ये आबशार खूबसूरत रानाइयों से भरपूर कुदरत के असीन नज़ारे पेश करती नज़र आ रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन इलाकों पे तवज्जो दे, तो यकीनन ये इलाके तरक्की कर सकते हैं। यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रेस्ट हाउसेस बनाए जाएं, तो सयाह बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख भी करें और वो यहाँ क़याम भी कर सकें और कुदरत की रानाइयों से भरपूर लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को जासकोल चनारी आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बा। Song।